السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ। یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنہری مسجد کے پاس بھی ہے। دراصل بات یہ تھی کہ وہاں بورڈ لگانے والے بورڈ لگانے کے لیے آئے تھے اور بورڈ لگا رہے تھے, لیکن ہماری اسلام کی ایک شیرنی نے شیر کی طرح دھاڑ لگائی اور ان بورڈ لگانے والوں کو وہاں سے بھگا دیا। پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے। भैया सरदार जी जो है ना ये मस्जिद के आगे ये लगा रहे हैं और देखिए मस्जिद, ये मस्जिद तो सारी ढक जाएगी भाई। पहली ढकी पड़ी है बोर्ड से, देखो और एक ये नया बना दो, एक नया और बना दो, कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे भाई। ये हटाओ भाई यहाँ से, ये मशीन हटाओ, हटाओ लेके जाओ मशीन, लेके जाओ भाई मशीन लेके जाओ। बात हो गई, बस हो गई, कुछ बात नहीं होनी, हो गई बस। बताओ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अट जाएगी नहीं हैं? ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सरदार जी होकर के इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मस्जिद को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, पता है आप लोगों को? नहीं इनको कुछ नहीं पता, इन्हें सिर्फ नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, बात हो गई बात भाई, लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ जल्दी से। देखो जी यहाँ पे बना रहे थे ये है, ये सुनहरी मस्जिद है चांदनी चौक में, शीशगंज गुरुद्वारे के बराबर में। ये सरदार होकर के इतनी मस्जिद की इतनी खिदमत कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे गाड़ रहे हो, अपने झंडे गाड़ रहे हो यहाँ पे, अपना क्या नाम है बना रहे हो, बोर्ड बना रहे हो। हटाओ भाई, लेके जाओ इसको, लेके जाओ, फेंक फाड़ दूंगी बेकार में, लेके जाओ, हटाओ, मैं फेंक फाड़ दूंगी बेकार, मैं फेंक दूंगी भाई मैं, नहीं हटा लो, हटा लो, हटा लो, हटा लो, हटा लो भाई, मैं नहीं लगने दूंगी यहाँ पे कुछ भी। 450 साल हो गए इस मस्जिद को, अब रिपेयरिंग हो रही है, तो अब ये लोग यहाँ कुछ 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 लगा रहे हैं। तुम्हारा पूरा घर यही बना लो, नहीं नहीं आमिर भाई नहीं लगेगा कुछ भी, ले जाओ भाई ले जाओ, हटा दो यहाँ से, बस हटा दो यहाँ से बिल्कुल, बस। ये इतना बड़ा लेकर के आए थे, बताओ क्या लगा रहे थे भाई यहाँ पे, ये क्या बना रहे थे यहाँ पे? नहीं ये बना क्या रहे थे, लाए क्या थे ये? ये लाल किला, ये लाल किला, ये लाल किला यहाँ नहीं लगेगा, लाल किले के अंदर लगा दो। प्रवेश वर्जित, प्रवेश वर्जित, जुर्माना लो जी लो, जुर्माना ये लगेगा यहाँ पे, जुर्माने होते फिर रहे, मैं कर दूंगी जुर्माना यहाँ पे। ये लगा रहे थे इतना बड़ा मस्जिद के, मस्जिद में कुछ नहीं होएगा, सीधी सी बात है। नहीं बच्चे भी हैं यहाँ पर, स्कूल भी है भाई, छोटे छोटे बच्चे जब जाते हैं सब। नहीं 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 कुछ नहीं हटेगा भाई, ले जाओ यहाँ से, उठाओ भाई उठाओ, बनाना उठाओ भाई उठाओ से, क्या लड़ना, चलो चलो यार कर लो, बात आगे पीछे लगा लो, अरे यहाँ क्यों लगा रहे हो भाई, यहाँ का क्या मतलब हो गया, कौन लेके आया भैया, लेके कौन आया भैया, ये रहा कहाँ गया, वो ये लेके आया, ये रहा पीछे, ये यहाँ का करता धरता, आजा भाई इधर आजा, क्या क्या नाम है आपका? आपको मेरा नाम नहीं पता, दोबारा बताओ अपना नाम, मुँह से दुखोरन बता दे, मैं नाम बताओ आप अपना, नाम नहीं पता, दोबारा बताओ नाम, हो गया ना, चलो हो गया। ये है भाई साहब यहाँ पर आके बहस कर रहे हैं, स्कूल का गेट है ये और ये मस्जिद का गेट है, ये यहाँ पर ये बोर्ड लगा रहे थे अपना, कोई बात नहीं अभी सब बनेगी, जब नहीं समझ में आ रही थी ना भाई की। ये है यहाँ पर आके हमसे ही पूछ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं ये कम से कम रख तो दूँ, आ जाओ, हो गया वो लेके जा रहे, जान से मार दूंगी कोई आ गया तो यहाँ पे, और मर जाऊंगी मस्जिद के लिए। वो सरदार होके इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो, अरे बच्चों बच्चों का भी नाम मस्जिद है बस। दरअसल बात ये थी कि वहाँ हमारे मुसलमान भाई भी खड़े हुए थे और सरदार भाई भी खड़े हुए थे, लेकिन सलाम है इस शेरनी को कि इसने शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गई, और हमारे सरदार भाइयों ने इसका साथ दिया और बोर्ड लगा, बोर्ड जो लगाने आए थे उनको वहां से भगाने में इस बहन का सहयोग किया। लेकिन आज का मुसलमान किस कदर डरा हुआ है कि इस बहन का साथ मुसलमान भाइयों ने नहीं दिया, जो कि मस्जिद के सामने बोर्ड लगाने के लिए आए थे। अगर वो चाहते तो बोर्ड लगाने में
जो वोट लगा रहे थे उनको भगा सकते थे, लेकिन मुसलमान आजकल इतना डर गया है कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम फरमाए, अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो तुम्हें ऐसे ही डराया जाएगा, ऐसे ही दबाया जाएगा। जब तुम अपने हक के लिए लड़ोगे दुनिया से तो तुम्हें कोई नहीं डरा सकता। जिस तरीके से इस बहन ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी और वो वोट लगाने वाले भाग गए, अगर तुम भी लड़ते तो यही होता कि वो लोग जल्दी से भाग जाते, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं किया।